नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक विटामिन B12 का कार्टेज है, B12 बोलते हैं हम उसको, और दूसरा कार्टेज है बायोसेरा का AA, तो इस फिल्टर के अंदर है। तो मैं आपको ये दोनों भी लगाकर दिखाऊंगा, इसको भी 2 या 3 साल, मतलब 2 से लेकर 3 साल तक उसको यूज़ करके हुआ है, मतलब यूज़ किया है, इतने दिन तक यूज़ किया है। और इसके अंदर जो बायोसेरा का AA कार्टेज है, ये भी 2 से लेकर 3 साल तक यूज़ किया है। वैसे इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कस्टमर ने यूज़ किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतना ही आपको दिखा सकता हूँ कि इतने दिनों के बाद भी इसका जो pH वैल्यू है, क्योंकि वाटर का या पानी का pH बैलेंस करने के लिए ही ये दो फिल्टर यूज़ किए जाते। चलिए इसको नीचे निकालता हूँ। ये मैं pH लिक्विड लाया हूँ, ये देखिए। तो इस pH लिक्विड से मैं अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पहले वाटर ऑफ। तो यहाँ नीचे नल है, इसको ऑफ करता हूँ, और इसको ऑफ करने के साथ साथ यहाँ से निकाल देता हूँ। ये देखिए, पानी का प्रेशर बहुत है, बहुत ही तगड़ा प्रेशर है पानी का, इतना प्रेशर होना ही चाहिए भाई। ये देखिए, ये निकाल दिया इसका पिन। तो दोस्तों, इसमें पानी है इसलिए बहुत भारी लग रहा है। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है उसको साइड में। और थक गए क्योंकि इसका पानी नहीं निकाला था। नहीं, क्या नहीं है। तो खोलते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए मैं आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। 1, 2, 3 और 4 स्क्रू होती है। यह हमारा एक्वा मैजिक का मॉडल है, एक्वा मैजिक हो या कोई भी हो। तो इसको इस तरह से खोलना है आपको। तो देखिए, निकल चुका है। फिर इधर जाइए, इधर भी इस तरह से ही खोलिए। देखिए, खोल लिया। फिर इधर आइए, इसको इसको भी अच्छी तरह से कस के उसको सही से हमारे स्क्रू ड्राइवर को लगाना पड़ता है, तभी ये निकल जाता है। उसको निकाल दिया, उसको था इसके अंदर। देखिए, ऊपर से मर गया, मुझे लगता है मरने दो, हमें क्या करना है। ये देखिए, यहाँ से भी निकलता हूँ मैं। इस तरह से मैंने 4 स्क्रू निकाल दिया है। 4 स्क्रू निकालने के साथ साथ आपको ये इस तरह से ढक्कन हटाना है। ये देखिए, ये ढक्कन मैंने हटा दिया, इसके अंदर स्क्रू है, आपको आराम से रख देना है। साइड में रख दिया मैंने ये। अभी ये बायोसेरा का हमारा, देखिए ये बायोसेरा का AA फिल्टर है। तो इसकी डेट है, ये देखिए, यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मतलब 2020 का है ये। तो लगभग लगभग 2 साल इसको हुआ है, मैंने यूज़ किया है उसको 2 साल, मैंने मतलब कस्टमर ने 2 साल तक यूज़ किया है। तो मैं यहाँ से इसको निकालूंगा, क्योंकि ये आउट वाला इसका फाइनल स्टेज का वाटर है। तो यहाँ से पानी इधर आया है। तो इसका pH मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा 2 साल बाद इसकी क्या कंडीशन है। और ये जो हमारा बीठेलो है, इसको भी लगा कर आपको दिखाऊंगा। पहले बायोसेरा आपको देखेंगे। और ये कनेक्शन भी कर दिया है इसका, वायर का थोड़ा प्रॉब्लम था। और इसको इनलेट वाटर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से इन करूँगा मैं, देखता हूँ लगता है कि लगता है। यहाँ प्री फिल्टर में लगाऊँगा, ये देखिए यहाँ प्री फिल्टर में वाटर लगाया है, ये देखिए इन पाइप लगाया है। और इसको मैं लगाऊँगा यहाँ जो हमारे फिल्टर का इन है। इसको इधर लगाने के बाद हमारा जो नल इनलेट का कॉक है उसको चालू करता हूँ। ये चालू किया, पानी तो अंदर चला गया है। और अभी यहाँ से इस फिल्टर का, मतलब ये जो हमारा बायोसेरा का आउट वाला सिरा है, इसको बाहर ले लूँगा मैं। ये देखिए, ये बाहर लिया, और इसको इस तरह से लगाता हूँ बाहर की साइड में। ये देखिए, ये लगा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिल्टर चालू कर देता हूँ। तो ये बायोसेरा का स्टिकर थोड़ा बाहर करता हूँ, क्योंकि आपको देखने में आसानी हो जाए, समझ में आए। ये देखिए बायोसेरा इधर, तो मैं चालू करता हूँ, इधर से चालू करना भूल गया मैं, यहाँ से चालू। ये देखिए, ये हमारा फिल्टर चालू हो चुका है। देखिए आवाज़ आ रहा है, मैं हार्मिंग का आवाज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, तो ये हमारा आरो वाटर प्योरीफायर चालू हो चुका है। और यहाँ से पानी आएगा, हमारे रिजेक्ट का वाटर तो आने लगा है। ये देखिए, रिजेक्ट का वाटर तो आने लगा है, तो हमें मतलब है प्योर वाटर से।
रिजेक्ट के वाटर से कोई मतलब नहीं है। मैंने पीएच चेक करने के लिए एक बोतल ली है, मैं यहाँ तक उसको भरूँगा, ये नीचे वाली खाँचे है, यहाँ तक पानी भरूँगा और प्रॉपरली एक 10 बूंद मैं डालूँगा इसके अंदर, 10 बूंद, तभी हमें वाटर का पीएच समझ में आएगा। देखते पानी आने लगा तो ये पानी मैं लेता हूँ इस बोतल में, देखिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, इस बोतल में पानी लेता हूँ, इस खाँचे तक मेरे को लेना है पानी, किस खाँचे तक, इस खाँचे तक, थोड़ा नीचे करूँगा, यहाँ तक पानी लेना है। तो उस खाँचे तक पानी आ चुका है, देखिए फिल्टर में बंद कर देता हूँ और इस खाँचे तक पानी आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, ये पीएच लिक्विड है, इसमें से 10 बूंद मैं बॉटल में डालूँगा, ये देखिए पूरा नया है, इसको साइड में रखता हूँ और 10 बूंद आपके सामने देखिए अभी, हाँ उसका सील टूटा नहीं, ये टूटा है, टूटा है, वन टू या थोड़ा ज़्यादा इसको ये करना पड़ेगा, बूंदे फट से नहीं गिर रही है, 2 बूंदे गिरी है ध्यान में रखिए, बाकी की 8 बूंदे मैं गिरने वाला हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा इसको मैं हिलाता हूँ, देखिए अभी हिलाता हूँ, अभी इसका कलर देखिए, अभी इसका कलर कहाँ मैच होता है, अभी ये देखिए ये पानी है और इस पानी का कलर कहाँ मैच हो रहा है, हमारे 5 के नज़दीक, 5.5 मतलब लगभग लगभग 6 pH हमारा दिखाई दे रहा है, कितना 6, हमें चाहिए 7 pH, लेकिन 7 pH नहीं दे रहा है, मतलब 1 साल या 2 साल हुआ है इस कार्टेज डबली कार्टेज जो है इसको, 2 साल हुआ है, मतलब 2 साल तक इसको यूज़ करना सही नहीं है, हमारा pH कितना दिखा रहा है 6, तो यूजुअली हमें 7 pH होना ही चाहिए, 7 से आगे होना चाहिए, तो इसका तो काम गया। मैं आपको जो हमारा आरो मेम्ब्रेन का pH है ये भी दिखाने वाला हूँ, तो इसको यहाँ से खोलता हूँ, देखिए यहाँ से खोलता हूँ और यहाँ से पानी आने लगा है, इसको इधर गिरा दूँगा, कोई बात नहीं, तो क्या करता हूँ, हमारा आरो फिल्टर चालू करता हूँ, देखिए अभी चालू किया, ये मेम्ब्रेन से पानी आने लगा, देखिए मेम्ब्रेन से पानी आने लगा और बोतल के अंदर गई हमारी ये, तो मैं पहली बोतल धो के फेंक देता हूँ, देखिए इसको थोड़ा मेम्ब्रेन का भी पानी वाटर लूँगा इसमें और इसको भी थोड़ा धो के फेंक दूँगा ताकि पहले वाला पानी इसमें मिक्स ना हो पाए, तो मेम्ब्रेन का पानी लेता हूँ, देखिए अभी ये जो हमारा आरो मेम्ब्रेन का पानी सीधा आया है इधर, तो इसको थोड़ा देता हूँ, थोड़ा मतलब जितना पहले लिया था उतना ही नहीं है, हाँ जितना जितना चाहिए उतना आया, वाटर प्योरीफायर बंद करता हूँ और इसमें 10 बूंदे डालता हूँ, देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 बूंदे डाल दी, इसको हिलाता हूँ थोड़ा, अभी देखिए इसका कलर कितना है, पूरा की पूरा एसिडिक वाटर है ये, मतलब कहाँ आ रहा है, ये 3 pH है, 3 या 4 pH, 3.5 इधर कलर है, देखिए 4 pH है, 4 से आगे नहीं है, 3.5 और 4, ये देखिए यहाँ, तो ये कलर कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है,
मतलब तीन से आगे 3.5 pH, मतलब ये बहुत ही घटिया वाटर होता है आरओ का, आपको पता नहीं है। ये वाटर जब हमारे मिनरल कार्टेज में या अल्कलाइन कार्टेज में जाएगा तभी पीने लायक बनता है। तो इसका पीएच है 3.5, तो ये पीएच सही नहीं है, इसको मैं फेंक देता हूँ। और अब चेक करूँगा हमारे बीटेलो का, इसको भी 2 साल तक यूज़ किया है, इसको 2 साल तक यूज़ किया है बायोसेरा का, लेकिन ये हमारे मेम्ब्रेन का कितना पीएच है, 3.5 से लेकर 4 तक है। तो तभी भी क्या हो रहा है, इसका पीएच मेम्ब्रेन से आने वाली पानी का पीएच ये बढ़ा रहा है, 5-6 तक लेके जा रहा है, 6 तक लेके जा रहा है। मेम्ब्रेन से कितना आ रहा है, 3.5, और यहाँ से कितना जाता है, 6 तक जाता है, 6 पीएच, हमें तो 7 चाहिए, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो ये बीटेलो को देखेंगे, ये मेम्ब्रेन से जो पाइप आया है इस पाइप को ही मैं क्या करूँगा, हमारे बीटेलो को जोड़ूँगा। बीटेलो का इन इधर है, तो यहाँ मैं एयर बबल लगाऊँगा, देखिए, और इधर ऐसा जोड़ देता हूँ इस तरह से, और हमारा फिल्टर चालू करता हूँ। चालू किया, अभी यहाँ से वाटर आएगा, देखिए ये वाटर आने लगा यहाँ से। मैं थोड़ा वाटर इसमें से लेता हूँ क्योंकि बोतल थोड़ी धोने के लिए, ताकि पहला वाला पीएच इसमें या पानी इसमें घुल ना पाए। ये देखिए इतना पानी लिया, पूरी तरह से धो के साइड में फेंक दिया। अभी इसमें से मैं वाटर लेता हूँ, जितना पहला लिया था उतना ही लेता हूँ। ये देखिए इतना वाटर लिया, तो इसमें डाल देता हूँ मैं पीएच लिक्विड, देखिए 10 बूंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाल दिया। मैं इसको हिलाता हूँ, ये देखिए अभी इसका तो पीएच बहुत बढ़िया आया यार। किधर गया बोतल, इसका पीएच आया है 9 के नज़दीक आया है। ये देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और इसका कलर देखिए पूरा की पूरा चेंज है। पहला आपने बायोसेरा का कलर देखा, थोड़ा हरा था, आपने मेम्ब्रेन का भी पीएच देखा, ये तो लाल ही आ रहा था वाटर, मतलब 3.5 के नज़दीक पीएच आ रहा था, लेकिन इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कितना पीएच है, 9 के नज़दीक पीएच है, मतलब इस बीटेलो को इतने दिनों बाद यूज़ किया है फिर भी ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। देखिए इतना यूज़ नहीं करते हैं, 2-2 साल, 1 साल में ही रिप्लेस करना चाहिए 6,000 लीटर के बाद, लेकिन फिर भी इसका पीएच बहुत ही बढ़िया दिखा रहा है, मतलब बायोसेरा के मुकाबले बीटेलो बढ़िया अभी तो, मतलब इस हालत में तो है। वैसे तो मुझे बायोसेरा ही पसंद है, क्योंकि बायोसेरा एक ऐसी कंपनी है कि सेफ्टी का बहुत ख्याल रखती है। तो बायोसेरा का अगर 1 साल में रिप्लेस करते हैं तो बायोसेरा का अच्छा है, 1 साल के ऊपर आपको जाना है तो बीटेलो लगा सकते हैं आप। ये 2 साल तक यूज किया है विटामिन बीटेलो, बायोप्योर कंपनी का है, ये बायोप्योर लिखा है इधर, तो इसका पीएच अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।